कैसे यूज करना है, सबसे पहले जिनको बहुत ज्यादा हमेशा दर्द लगा रहता है वो रेगुलर लगाए, या कभी कुछ जरूरत पड़ गई, इफ नीडेड, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो आप दर्द है तो आप लगा सकते हैं। तो जिनको रोज लगाना है, कहीं पे हमेशा दर्द है तो आप हमेशा भी लगा सकते हैं, या कभी जरूरत पड़ी तो भी लगा सकते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंधे में कमर में दर्द है तो उसको अच्छे से हाथ में अच्छे से क्रीम लीजिए और उसको पूरे उस पे लगा के और आप मसाज कर सकते हैं थोड़ी देर, 4-5, 2-3 मिनट आप उसको रगड़ सकते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। अगर कभी आपको सिर में दर्द है, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, कभी ऐसा होता है कि हेडेक है तो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जलते हैं, इसमें कोई आपको जलन नहीं होगा। और उसको कहाँ लगाना है, आपके फोरहेड पे लगाना है, और ये जो टेम्पल होता है, टेम्पल मतलब आपके जो चीक्स के ऊपर ये वाली जो जगह है जहां पे मैंने ये फोटो में भी दिखाया है, वहां पे आपको लगाना है। 1-2 मिनट तक उसको थोड़ा रब करिए और उसको छोड़ दीजिए। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा जोड़ों का दर्द है, बैक में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो रहा है, नेक में कभी मचक पड़ जाती है या शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे अगर दर्द है तो आप लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा गर्म पानी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद माइल्ड जो फोमेंटेशन टेक्निक होती है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, कभी कभी ये चीज हमने घर में भी की है, आपके घर में कुछ बैग्स होते हैं जिसमें हम गर्म पानी डालकर सेकते हैं उसको, तो आपको क्या करना है, या तो उसमें आप डालकर उस एरिया पे लगा लीजिए, वो एरिया को गर्म कर दीजिए थोड़ा सा, या किसी गर्म पानी में कपड़ा डालिए, कपड़े को अच्छे से स्क्वीज करिए और उस एरिया पे लगा लीजिए। वो एरिया जब आपका थोड़ा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसके बाद आप नोवेदना जेल लीजिए और उस पर थोड़ी देर आप रगड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेगा अगर सडन कभी कोई दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को आर्थराइटिस है या जॉइंट का ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं जब, तो घुटने होते हैं जल्दी से मूव नहीं करते हैं, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे लोग रात में ये चीज कर ले और सुबह रात में जब आप नोवेदना जेल लगाकर ये गर्म पानी से थोड़ा सा वो करके और जब सुबह आप उठेंगे आपके जो जॉइंट्स होंगे वो थोड़े रिलीफ मिलेंगे, आपको दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा जोड़ों का दर्द है। बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को, हमारे पेरेंट्स में देखा जाता है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और लगाना कैसे, एक पी साइज आपको साइज लेना है जेल का, और जहां पे दर्द है वहां पे आप सिंपली उसको लगा लीजिए। क्या प्रिकॉशन लेना है नोवेदना जेल लगाने में, इट्स ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, ऊपरी त्वचा पे ही लगाना है, कोई कट गया है, जल गया है, कहीं पे कोई जख्म हो गया है, घाव हो गया है, उस केस में नोवेदना जेल नहीं लगाना है। उसके ऊपर हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है वुंड हीलिंग क्रीम, वुंड हीलिंग क्रीम आप उस पे लगा सकते हैं। कभी भी इसको नाक में, कान में, या जो भी हमारे सेंसिटिव पार्ट्स है, आपकी आंखें हैं, उस पे टच नहीं करना है। जैसे आपने वुंड हीलिंग, आपने नोवेदना जेल लगाया, नोवेदना जेल लगाने के बाद तुरंत हाथ साबुन और पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ऐसी इश्यूज अभी आएगी नहीं। नोवेदना कैप्सूल्स में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, माइग्रेन का दर्द है या बहुत ज्यादा क्लस्टर हेडेक, आंख के इस पार्ट में दर्द हो रहा है फिर वो शिफ्ट हो जा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम में हमें नोवेदना कैप्सूल नहीं देना है। हाइपर एसिडिटी है या बहुत ज्यादा पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर हो गया है, उस केस में नोवेदना कैप्सूल नहीं देना है। पाइल्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, तो दर्द में, पाइल्स के दर्द में हमें नहीं देना है, खाली पेट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है उधर हमें नहीं देना है, और प्लीज प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में दर्द है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रेगनेंसी के दर्द में लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कोई भी एलोपैथी की कोई दवा खा रहा है, कुछ पेन किलर खा रहा है, तो उसके साथ आपको नहीं लेना है। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रिकॉशन लेकर हम अच्छा आपको रिजल्ट आप ले सकते हैं।